आज का हर एक युवा जो क्रिकेट में जाना चाहता है, जिसका सपना एक क्रिकेटर बनने का होगा, वो इस नाम को ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन सा नाम? मिस्टर 360 अर्थात एबी डिविलियर्स। हर युवा जब क्रिकेटर बनने के सपने देखता है तो उसके दिमाग में कुछ एक खिलाड़ियों के नाम आते हैं, उनमें से सचिन, विराट, एमएस धोनी, इनके अलावा एबी डिविलियर्स का भी नाम होता है। क्यों पता है? क्योंकि लोग वैसा बनना चाहते हैं। और लोग किसी के जैसा बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटीज लोगों को पसंद आती है और लोग उन्हीं क्वालिटीज को खुद में डेवलप करना चाहते हैं। अधिकतर युवा एबी डिविलियर्स के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या केवल चाहत से बात बनेगी? नहीं बनेगी। लाखों लोग सपने तो लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने का, चले भी जाते हैं, लेकिन उनका कैरियर कब शुरू कब खत्म होता है इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन एबी डिविलियर्स उनमें से नहीं है। अगर आप एबी डिविलियर्स जैसा बनना चाहते हैं, उनकी क्वालिटीज खुद में लाना चाहते हैं, खुद को मिस्टर 360 बनाना चाहते हैं, तो मिस्टर 360 की, मिस्टर एबी डिविलियर्स की ये तीन बातें हमेशा याद रखिए। आप जरूर वहां तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें लोगों से अलग बनाता है? वो पहली चीज है अपने पैशन को फॉलो करना। शायद आपको पता ना हो, एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट से पहले गोल्फ, बैडमिंटन, स्विमिंग, सॉसर्स ऐसे बहुत प्रकार के गेम खेले थे, लेकिन उन्हें कुछ मजा नहीं आया। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं जब इन सारे गेम को खेलता था, गोल्फ हो, बैडमिंटन हो, स्विमिंग करना हो, सॉसर खेलना हो, तो मुझे मजा नहीं आता था, मैं बोर हो जाता था। तो जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वो बताते हैं कि मैं क्रिकेट में खो जाता था, मुझे लगने लगा क्रिकेट मेरी लाइफ है। मैंने खुद को उसमें निखारना शुरू किया, अपनी गलतियों को पकड़ा, उसको सुधार करता, मुझे करने में मजा आता। तब जाके उनके क्रिकेटर बनने की शुरुआत होती है। तो अगर आप भी फंसे हुए हैं किसी ऐसे काम को करने में जो आपको बोर कर रहा है, आप उसमें खुद को डेवलप नहीं कर पाते हैं, करना भी होता है तो कतराते हैं, इसका मतलब वो काम आपका पैशन नहीं है। अगर कोई काम आपका पैशन होगा तो आप उसमें खुद को डेवलप करने में कभी कतराएंगे नहीं। और डिविलियर्स आपकी लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है, जो कि पहले सीख है कि अपने पैशन को फॉलो करिए। और पैशन को फॉलो करने के लिए आपको पहले अपने पैशन की तलाश करनी होगी। डिविलियर्स से हम सीखते हैं कि उन्होंने हिट एंड ट्रायल किया, उन्होंने बहुत सारे गेम को ट्राई किया, तब जाके उन्होंने क्रिकेट में अपना कैरियर बनाया। उन्होंने चूज किया और पाया कि क्रिकेट ही उनके लिए बेस्ट है। आप भी यही करिए। बढ़ते हैं डिविलियर्स साहब के दूसरे सक्सेस सीक्रेट की तरफ, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आपने लोगों से बहुत सुना होगा, अगर खुद में विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों में यह विश्वास आसानी से डेवलप नहीं होता। 2007 की घटना है, डिविलियर्स साहब अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं अपने खेल से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था, मुझे लग रहा था कहीं कुछ चूक हो रही है, मुझे थोड़ा लो फील होता था। 2007 में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे खुद में सुधार करना है, लेकिन कोई जब खुद में सुधार करने के डिसीजन लेता है तो न जाने कितने लोग इसी भ्रम में रहते हैं, उनको डर होता है पता नहीं इंप्रूव होगा, बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जैसा है वैसा चलने देते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए सुधार करने के चक्कर में। लेकिन डिविलियर्स साहब के लाइफ की दूसरी सीख यहीं से जन्म लेती है। यहीं से हमें पता चलता है उन्हें खुद में विश्वास था कि अगर मैं कुछ बदलने की कोशिश करूंगा तो मैं उसमें सक्सेस होऊंगा, मैं उसमें सफल होऊंगा। और आज
आपको पता है उनके मिस्टर 360 बनने की शुरुआत वहीं से हुई थी जब उन्होंने खुद में विश्वास करके जिम्मेदारी उठाई खुद को और बेहतर बनाने की। आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन बेहतर बनाने के लिए जरूरी काम की शुरुआत इसी वजह से नहीं कर पाते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको बढ़ाइए। तीसरी जो सबसे बड़ी सीख मिलती है डिविलियर्स साहब की लाइफ से वो है फोकस। वो कहते हैं कि जब मैं मैदान में होता हूं तो मैं पहले से डिसाइड नहीं करता कि मुझे कौन सा शॉट लगाना है। जब बॉलर बॉलिंग करने के लिए दौड़ने लगता है तो मेरा पूरा ध्यान बॉल पे होता है। जब उसके हाथ से बॉल निकलती है तो मैं बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड के साथ बॉल को देखता हूं, तब मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे इसे किस दिशा में हिट करना है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम किसी भी काम में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बेहतर न बन पाने का सबसे बड़ा कारण हमारा डिस्ट्रैक्शन है, फोकस की कमी। इसी वजह से हम भटक जाते हैं, हम सही एक्शन नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ हमारे अंदर फोकस की कमी है। उसको बेहतर बनाने का तरीका भी वो बताते हैं कि मैं बॉल पे फोकस करता हूं और जिस टाइप की बॉल आती है मैं हिट करता हूं। तो आपको भी यही करना है, बाहरी चीजों में उलझने की बजाय व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, फेसबुक पे किसका मैसेज आया, उसने क्या कह दिया, इन सब बातों के चक्कर में ना पड़ के आप जब खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उस काम पे ही ध्यान दीजिए, उस काम को ही पूरे फोकस के साथ करिए जो आप कर रहे हैं, बात की चीजें बाद में देख लेंगे। तो डिविलियर्स साहब की ये तीन बातें आप अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें, आपको बेहतर परिणाम अवश्य मिलेंगे। नंबर वन, अपने पैशन को फॉलो करिए। नंबर टू, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम मत होने दीजिए, खुद में भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। और नंबर थ्री, अपने काम को फोकस के साथ करिए जैसा डिविलियर्स साहब करते हैं, बेशक आप उनकी तरह बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।